और पसी ये बहन कहते हैं कि 12 साल के थे तब से कहते हैं दुष्ट आत्मा। सुनो, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं है, तो आपको जल्दी जल्दी सुनना है और समझना है क्या हो रहा है। पसी ये बहन कहते हैं कि जब ये 12 साल के थे तभी से दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन पर, जब अनमैरिड थे तभी से हो रहे थे, जब मैरिज हो गई तो अटैक बढ़ गए, इनकी दो बेटियां हुई और जिनकी स्किन जो हम देख सकते पूरी तरह से सफेद व्हाइट कलर की, और कहते बाल गोल्डन थे, और प्रेगनेंसीज के दौरान ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये अब नॉर्मल बच्चे एक तरह से पैदा होंगे, स्किन का रोग होगा। और कहते जब इनकी प्रेगनेंसी होती थी तो इन्हें सपना आता था कि व्हाइट कलर की बच्चे जो है इन्हें दुष्ट आत्मा पकड़ा रही है, और कहते जब बेबीज हुए तो दोनों की स्किन जो है वो व्हाइट और जो है हेयर गोल्डन थे। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि वंशों के कारण होती है, जो कि इन पेरेंट्स को भी है कहीं ना कहीं थोड़ी, और जब बच्चे हुए तो उन पर और ज्यादा हो गई। और डॉक्टर ने बोला कि एल्बिनिज्म नामक एक प्रॉब्लम है जिसमें कि स्किन सेल्स जो है वो बहुत कमजोर रहते हैं और सफेद कलर की स्किन हो जाती है। और कहते हैं कि नेक्स्ट बेबी का आप सोचो मत, जब सेकंड और थर्ड बेबी भी होगा वो भी सेम इसी तरह से पैदा होगा, स्किन अजीब सी होगी। और कहते हैं पीजे चंडीगढ़ भी रेफर किया, बहुत सी मेडिसिंस खाई, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कहते हैं कि कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और जब कहते हैं थर्ड बेबी चर्च आने के बाद में कंसीव किया तो कहते okay, पहला बेबी हो गया, पहला बेबी दिखाओ, जो जो फर्स्ट बेबी हुआ वो कैसा हुआ। ओके okay, उसके बाद आपको बताया कि आपके ये प्रॉब्लम है, आपके दूसरे बेबीज भी ऐसे होंगे, फिर इनके दूसरा बेबी हुआ उसको दिखाओ। ओके जब दो बेबीज हो गए तब ये चर्च में आए, और जब चर्च में आए जब प्रेयर हुई, उस टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। और कहते कि इन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद इनका कहते फेथ परमेश्वर पर था, और 31 अगस्त 2023 को कहते अपने ऑयल दिया था, और वो खास प्रार्थना किया हुआ ऑयल कहते जब इस बहन ने अपने पेट पर लगाया और अंगीकार किया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, मेरा बच्चा चंगा हो चुका है, कोई भी जनरेशनल कर्स काम नहीं करेगा, जेनेटिक कर्स को, जेनेटिक बीमारियों को मैं अभी डांटती हूं। और कहते जैसे ही वो ऑयल अप्लाई किया, और ये क्या डिलीवरेंस मीटिंग्स की बात कर रहे हो आप, जब छुटकारे की मीटिंग्स हो रही थी 23 में? यस यस, हां उन्हीं मीटिंग्स की बात कर रहे हो। और कहते जब बेबी हुआ पूरी तरह से नॉर्मल हुआ, पंचों के श्राप खत्म हुए, दिखाओ तीसरा बेबी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स खत्म हुई और पूरी तरह से नॉर्मल बेबी हुआ। और तुम्हें समझ नहीं आई गवाही की? ओ जीसस, बेटा सुनो, तुम दोनों बड़ी बेटी छोटी बेटी, ये बेटी है, तुम बहुत खूबसूरत हो दोनों। हाँ ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं तुम दोनों। अच्छा ऐसी स्किन लेने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं बॉलीवुड वाले लोग, मिलती नहीं उनको, बेचारे रगड़ रगड़ के स्किन लाल कर लेते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, दोपहर की रूटीन, सोने के बाद की रूटीन, एंड प्रोटीन, कुछ नहीं मिलता उनको। तुम्हें ऐसे ही दे दी परमेश्वर ने। ओ इसकी आईज देखो, आईज दिखाना, इसकी ऐनक उतार दो इसकी। नहीं कैमरे में नहीं दिख रहा, आईज का कलर ग्रीन है, ग्रीन, इसका ब्राउन है। तुम दोनों ब्यूटीफुल हो, इन जीसस नेम तुम दोनों को मैं मसा करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अगर ये अगर तुम फॉरेन में चली गई ना, तुम गोरे फेल कर दोगे, तुम बता रहा गोरे, और तुम उनमें रल जाओगी, ऐसा लगेगा कि तुम उन्हीं की बेटी हो, एक्यूरेट एग्जैक्ट सेम। हालेलुया करके पवित्र अपने बनाया। आप दिखाओ तो आंखें इसकी, दिखती हैं ग्रीन नहीं, देखें मेरी ड्रेस से मैच कर रही, कर ले जो इन्वाइट
दिख रहा कि नहीं, ग्रीन ग्रीन आईज नहीं दिखा रहे तुम। कैसे करूं मैं बेटा, आंखें खोल तू पूरी। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं। प्रभु की सेवा के लिए डरी रहती है। तारीफ करो जोर से। कई बार अब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो कितने लोग हो गए यहां, सैकड़ों में हजारों में, गवाहियां खत्म नहीं हो रही थी। मैंने कहा तुम सोचो इतने लोगों में गवाहियां खत्म नहीं हो रही तो खामबरा में क्या होता हो। गवाहियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन टेस्टिमनी सुनी आपने डिलीवरेंस वीक्स के दौरान, छुटकारा मिला कि नहीं मिला। और इम्पॉसिबल है डॉक्टर के हिसाब से, उसने बता दिया था पहला बेबी ये प्रॉब्लम है, दूसरा भी ऐसा ही होगा, दूसरा हुआ वैसा ही हुआ, ऐसा ही होगा। डिलीवरेंस में वीक में ऑयल को अप्लाई किया, तीसरा बेबी डन फिक्स। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस।